लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जियो मेरे लाल। माता, हमने गुरुजनों से 17 विद्या सीख ली है, अब हम वन में जाकर अकेले अभ्यास करना चाहते हैं। हमें आज्ञा दीजिए माता। तुम दोनों अकेले शस्त्रों का अभ्यास करोगे? हाँ माता। वन के प्राणियों को कोई कष्ट तो नहीं पहुँचाओगे ना? कष्ट नहीं, नहीं कदापि नहीं दीदी। वन के प्राणी तो इनके लिए प्राण के समान है, ये भला उन्हें कष्ट कैसे पहुँचा सकते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों ने इन्हें पहले ही आज्ञा दे दी है? जी दीदी। क्या? नहीं नहीं दीदी, हमने तो बस इतना कहा था कि हम भी इनके साथ वन में जाएंगे। यदि हम वन में नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परंतु ये दोनों मानते ही नहीं। ऐसा क्यों लवकुश? माता, क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? अपनी भूल को हम एक शत्रु के समान देखेंगे और उसे स्वयं ठीक करेंगे, और जब तक भूल सुधार नहीं लेंगे अभ्यास करते ही रहेंगे। बहुत चतुर हो गए तुम दोनों, जाओ, परंतु संध्या से पहले लौट कर आ जाना। जो आ गया माता। जय श्री राम। जय श्री राम। यार धनुष कहाँ गया? अरे अभी तो यही था। चलो वो देखो पेड़ पे, चलो निकालते आओ। पेड़ पर कैसे चलेंगे? अवश्य यहाँ कोई शत्रु है तो है, पहले हम धनुष निकालेंगे, उसके बाद शत्रु से निपटेंगे। ठीक है, चलो आओ आओ। उठाओ मेरे को भैया, उठाओ। अच्छा भैया, ऊपर लो। अच्छा भैया, और ऊपर लो। उठाता और ऊपर लो भैया। अच्छा भैया, ऊपर ऊपर उठाओ भैया। अच्छा। उठाओ भैया। अच्छा भैया, ऊपर लो। पकड़ो भैया धनुष, पकड़ो। अच्छा भैया, और ऊपर उठाओ भैया। अच्छा, और थोड़ा ऊपर। पकड़ो भैया, उठाओ भैया, पकड़ो। और थोड़ा सा। अच्छा भैया, और ऊपर लो। अच्छा भैया, और ऊपर लो। बालको, मैं तुम लोगों की सहायता करूं? नहीं, हम योद्धा है, हम अपना धनुष स्वयं उतारेंगे। बालको, योद्धा तो तुम लोग तब कहलाओगे
जब तुम्हारे अस्त्र तुम्हारे हाथों में होंगे, परंतु तुम्हारे अस्त्र तो तुम क्या हमारी हंसी उड़ाने आए हो? नहीं नहीं नहीं, तुम जैसे नन्हे भोले बालकों की हंसी तो कोई मूर्ख ही उड़ाएगा। माता ने कहा है कोई अनजान लोगों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। परंतु मैं अनजान कहाँ हूँ, मैं तो हनुमान हूँ। हनुमान? राम भक्त हनुमान? हाँ, हम तो तुम्हें जानते हैं, गुरु जी ने तुम्हारे बारे में बताया था। अर्थात अब मैं अनजाना नहीं हूँ, अब तो मैं तुम लोगों की सहायता कर सकता हूँ। नहीं, कदापि नहीं। नहीं? परंतु अब क्यों नहीं? ठीक है, तुम चाहते हो तो हम तुम्हें सहायता ले सकते हैं। क्यों भैया? हाँ, तुम हमें अपनी गोद में उठाओ, हम अपना धनुष स्वयं उतारेंगे। ठीक है, जैसी आप दोनों की इच्छा, आइए। जय श्री राम। हनुमान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान, गुरुजी ने कहा था तुम बहुत बड़े योद्धा हो, पर तुम्हारे पास धनुषबाण कुछ भी नहीं। बालको, मेरा अस्त्र है मेरी गदा। गदा? हाँ। ये पकड़ो धनुष। बहुत अच्छा है ना हनुमान। हाँ। ये गद्दा मैं लूं? नहीं, मैं लूंगा। नहीं, मैंने पहले बोला था, पर मैं अरे 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 अरे, अरे, अरे बालको, मैं तुम दोनों को एक एक गदा प्रदान करूंगा, ठीक है? जय श्री राम। अरे गदा, ये लो, ये रही आपकी गदा, और हमारी गदा हमें दे दीजिए। और ये आपकी। हनुमान, इससे युद्ध कैसे करते हैं? ये भी मैं आप दोनों को बताऊंगा, आओ। अब अपने अपने तरकश खोल दो। खड़े रहो बेटा। आप भी। यहां रखते हैं। अब गदा को इस तरह पकड़ो, इस तरह, दाहिना पैर पीछे, आपका भी। अब मुझ पे वार करो। अब दोनों वार करो। दबाओ, जोर से दबाओ। बड़े योद्धा बनते फिरते थे। जय श्री राम। Ha 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 ha